We are at Thang village. We are literally a stone's throw away from Pakistan occupied Kashmir, from the line of control. And I have with me Miss Haseena Banu, who is the only journalist in this entire region. So Haseena ji, thank you very much hame yahan hamare sath aane ke liye. Thank you for your hospitality. Aapke ghar par bahut acha khana khilaya aapne. Thank you very much. So aap yahan ki only journalist hai ya only female journalist hai? Only journalist. Kitne area mein? पूरे नुब्रा से खरदों से अगर आप थंग तक देखोगे उसमें पूरे जनरल मतलब आई एम द ओनली जर्नलिस्ट. सो हाउ चैलेंजिंग वाज इट? आप एक लड़की हो, आपको जर्नलिस्ट बनना कितना चैलेंजिंग था? सर स्टार्टिंग में मैं कोई इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था सर जर्नलिस्ट. अच्छा. में मतलब आई वाज हैविंग माय इंटरेस्ट इन इवेंट मैनेजमेंट. फिर उसके बाद जब मेरा लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने से पहले ही मेरे को न्यूज़ 18 की तरफ से ऑफर आया सर कि आपको नुब्रा का रिपोर्टर बनाया जाता है. तो स्टार्टिंग में मैं बहुत बिना इंटरेस्ट के साथ काम कर रही थी सर. बट जब यहाँ के लोगों का प्रॉब्लम मैंने देखा सर और यहाँ के लोग कैसे सिचुएशन में रह रहे हैं तो धीरे धीरे मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ सर. तो मतलब अच्छा मतलब मेरा रहा सर यहाँ पे जर्नलिज्म कुछ. अच्छा. और यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा इलाका है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ के लोगों के? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम और मेन प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्ट का है सर. ट्रांसपोर्टेशन जी. और ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से कई जगह पे डेवलपमेंट अपने आप ही नहीं आ पाता है सर जहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है. और यहाँ पे एजुकेशन के मामले में भी बहुत वीक है सर यहाँ के. मतलब माना जाए अगर बच्चों को पढ़ाने से कम उस पर कम ध्यान दिया जाता है और अपने जैसे खेती बाड़ी हो गया या इस चीज़ में ज़्यादा लोग ध्यान दिया जाता है. अच्छा. तो सबसे जो वीकनेस यहाँ पे एजुकेशन है सर. यहाँ पे एजुकेशन नहीं है और डेवलपमेंट अभी लगभग एक साल से यहाँ पे डेवलपमेंट आना शुरू हुआ है सर. एक साल से जी. उससे पहले आपको पता नहीं होगा शायद यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था सर. BSNL नेटवर्क था नुब्रा में, ऑल ओवर नुब्रा में, लगभग बोगदांग से यहाँ तक. तो BSNL का 3G चलता था तो उसी से लोग काम चलाते. तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे 4G आना शुरू हुआ है सर. और तुर्तुक साइड तो शायद 2-3 महीने हुए सर अभी. 2-3 महीने से ही हो जी, रहा है जी, जी. अच्छा अच्छा जी सर. तो ये सब डेवलपमेंट पिछले एक साल में ही शुरू हुआ जी, है जी. उससे पहले क्या प्रॉब्लम था? उससे पहले अगर आप थंग की बात करो सर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कई तरह के रेस्टोरेंट्स खुले हैं. और इससे पहले यहाँ पे टूरिस्ट अलाउ नहीं था सर. अभी शायद रिसेंटली अलाउ किया गया है टूरिस्ट को. तो उससे पहले यहाँ पे लोग यहाँ से बाहर जाते थे सर. यहाँ पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था सर. तो यहाँ से लोग बाहर काम ढूंढने के लिए जाते थे. अभी ऐसा है कि बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ काम ढूंढते हुए आते हैं. उनको कहीं जगह पे आप रेस्टोरेंट में भी ज़्यादातर जो शेफ़ है चाहे वो यहाँ पे ये सब बाहर के हैं सर. जो बाहर के वो लोग काम ढूंढते हुए यहाँ आते हैं. यहाँ काम एक्स्ट्रा मिलता है जी सर. यहाँ पे लोग आते हैं सर बाहर से काम ढूंढने के लिए. तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा है सर. तो ये है. और दूसरी चीज़ यहाँ पे गर्ल्स को एजुकेशन देना, इनको समझ आया कि एजुकेशन देना भी कितना इम्पोर्टेंट है गर्ल्स को. और डिस्क्रिमिनेशन पहले बहुत होता था सर. अगर लड़का लड़की में डिस्क्रिमिनेट करे तो बहुत ज़्यादा होता था कि लड़के को चलो बाहर भेजो कोई नहीं, वो घर घर के मतलब घर कमाएंगे, घर पे पैसे लाएंगे. तो बट लड़कियों के लिए ऐसा था कि लड़कियाँ बस किचन के लिए है, उनको बस खाना बनाना है और इनकी शादी करा दो, पराए घर के हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत पहले बिलीव्स पहले हुआ था सर. अभी थोड़ा वो चेंज आया है सर इस चीज़ में जी. चेंज आ रहा है अभी? काफ़ी चेंज आ रहा है सर जी. अच्छा अच्छा जी जी. और यहाँ का जो पूरा इकोनॉमी है ये पूरा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करता है जी सर. पूरा सर मतलब कुछ कुछ ऐसे होंगे सर जो यहाँ पे सब्जी वगैरह उगाते हैं तो उसे बाहर बेचने जाते हैं. बट 90-80% टूरिज्म पे ही डिपेंड है सर यहाँ के. और यहाँ पर आर्मी का बहुत प्रेजेंस है जी सर. तो आर्मी का रोल क्या है इन द लोकल लाइफस्टाइल? आर्मी का रोल कहीं जगह पे, खासकर अगर आप बॉर्डर विलेज की बात करोगे सर, तो यहाँ पे चाहे एजुकेशन के मामले में हो अलग अलग एक्टिविटीज़ कराते हैं सर. और एक्टिविटीज़ जैसे यहाँ पे वॉलीबॉल कंपटीशन हो, चाहे यहाँ पे स्पोर्ट्स अलग अलग स्पोर्ट्स कराते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी जैसे कुछ टाइम पहले भी मैंने वो किया था सर, यहाँ पे डैम बनाया था सर. वो इरीगेशन के लिए प्रॉब्लम होता सर पानी की कमी होने की वजह से, और उसके लिए यहाँ पे आर्मी की तरफ से डैम बनाया जाता है. सेल्फ सर्विस बहुत करते हैं सर यहाँ पे आर्मी की तरफ से जी सर. अच्छा. उनका एक्चुअल ड्यूटी है कि बॉर्डर्स की सुरक्षा करें, लेकिन ये सब भी करते हैं? खास कीजिए सर, उनका काम है बॉर्डर पे रह के हमारी सुरक्षा करना. हाँ. बट उसके अलावा भी यहाँ पे छोटे छोटे जो जरूरतें हैं सर वो आर्मी पूरा करते हैं सर हमारे. अच्छा. यहाँ पे ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं जी सर. अच्छा. और ये जो बहुत सारे आप रोड्स दिखते हैं ये कब से है रोड्स इतने सारे?
किस वे में बोल रहे सर? रोड जो जिस रोड पर बना है, हाँ, जिस रोड पर हम आए, तो ये भी रिसेंटली आया है सर, क्योंकि आप अगर देखोगे, आप बोगदांग जो गांव आपने देखा होगा, वहाँ पे अगर आप वहाँ से एंटर करोगे आपको दिखेगा पूरा रोड खराब है, तो उसके आगे से रोड बना हुआ है। तो मुझे लगता है सर, अगर जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे अपने आप ही सब चीज़ें सही हो जाता है सर। तो अगर कंपेयर करो तो कुछ जगह पे जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे अपने आप सब कुछ ही दिख जाता है सर, खराब है, तो कुछ जगह पे सब चीज़ सही हो जाता है सर। तो रोड अभी रिसेंटली बनना शुरू हुआ सर, जैसे टूरिस्ट का यहाँ पे बढ़ावा हुआ सर, वैसे यहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही हुआ। तो यहाँ पर और भी रोड्स की जरूरत है बहुत सारे। जी जी, और क्या क्या जरूरत है? रेलवे की जरूरत है। जैसे रेलवे यहाँ पर आ सकती है या डिफिकल्ट है? मे भी सर डिफिकल्ट होगा सर मुझे, लेकिन रोड्स होना चाहिए, होना चाहिए सर। अभी लड़गिया पे जगह है सर, लड़गिया अगर आप जाओगे चंगमार से भी उधर जाके आपने एक रास्ता देखा होगा जो खराब है, जो छोटा सा ब्रिज होगा, उससे पहले एक जगह आता है सर लड़गिया नाम का, तो उस वहाँ जाने के लिए हमें लगभग 12 किलोमीटर गाड़ी से जाना होता है, लगभग 10-11 किलोमीटर पैदल जाना होता है सर। तो कभी उस वजह से कोई वहाँ पे विजिट करने जाता ही नहीं है सर, कि क्या प्रॉब्लम है, देखने भी नहीं जा पाते हैं। तो रोड कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी होता है सर कहीं भी डेवलपमेंट के लिए। जी जी बिल्कुल, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो कनेक्टिविटी से ही सब डेवलपमेंट होता जी, है। जी 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 हाँ, यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट दिस कल्चर? यहाँ के कल्चर के बारे में ज़्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है सर। अभी कुछ यहाँ पे वुमेंस वहाँ पे जो बैठे हैं उनके पास बहुत सब ऐसे अब चीज़ें रखे हैं सर, जैसे टोपी है और ऐसे शॉल है उनके तरह के। तो यहाँ के कल्चर बहुत डिफरेंट है सर एज़ कम्पेयर टू, तो अगर आप यहाँ के कल्चर देखोगे, चाहे यहाँ के खाने का हो, चाहे यहाँ पे पहनावा हो, वो बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कल्चर कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। देहरादून में कुछ ऐसे बल्ती कम्युनिटी है यहाँ पे, हैं तो बहुत यूनिक कल्चर है सर यहाँ का। जी जी सर, और बहुत सारे बल्ती लोग उस तरफ रहते हैं पाकिस्तान के बड़े कश्मीर में, उनका क्या हाल है? उनका बहुत बुरा हाल है सर। तो यहाँ पे अगर कुछ टाइम पहले रिसेंटली मैंने एक वो बनाया, कंपैरिजन करके एक न्यूज़ बनाए थे सर, जहाँ पे मैंने कंपेयर किया था ले डेवलपमेंट और गिलगित बल्तिस्तान के बीच में, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पे अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ के जो गाँव की बात करें, तो वहाँ पे सिर्फ 2 घंटा इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है सर। वहाँ पे अभी तो लोग रो रहे हैं सर पानी के लिए, और उनके खेत पूरा सूख रहे हैं, तो बहुत दिक्कत है सर वहाँ पे। और एज़ कम्पेयर अगर हम यहाँ की बात करें, तो यहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलता है सर, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है। और उसके साथ साथ यहाँ पे टूरिस्ट की वजह से जो फ्रंट विलेज, जो लास्ट विलेज आपने देखा, वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पीछे तक ही टूरिस्ट को अलाउ किया गया सर। अच्छा, आने के लिए अच्छा। 70 किलोमीटर तक टूरिस्ट को वहाँ पे अलाउ किया गया। जी जी जी, और उसके अगर उस जबकि यहाँ के कंपैरिजन में पूरा थंग लास्ट बॉर्डर तक टूरिस्ट को अलाउ किया है। और कहीं जब टूरिस्ट से मैं किसी मतलब पर्सन से मैं पूछती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है, तो वो बोलते हैं मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं बॉर्डर एरिया में हूँ, मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल ऐसा होता है ना, एक डर होता है कि हाँ ये बॉर्डर जगह है, यहाँ पे कैमरेज है, तो वो सब उनको फील नहीं होता ऐसा। तो बहुत बुरा हाल है सर अभी हमारा। हम सोचते हैं कि हमारा एक ही हमारा कम्युनिटी है सर बल्ती है, ज़्यादातर 90% जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है, और बस 20% यहाँ है। तो जब हम देखते हैं उनको, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं, जब वो तकलीफ में होता है, रोड पे रोते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है सर। तो हम यही दुआ करते हैं कि जल्द ही वो पूरा गिलगित बल्तिस्तान हमारा हो। बिल्कुल होना चाहिए सर। तो हमें बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं सर, तो यही दुआ है सर मेरा। और इस तरफ यहाँ पर जो आर्मी का रवैया है और उस तरफ जो आर्मी का रवैया है, उसमें क्या डिफरेंस? वहाँ का मुझे इतना नहीं पता सर, बट जब भी मैं देखती हूँ सर, कुछ भी वीडियो वायरल होता है, जैसे अभी रिसेंटली वहाँ पे कुछ एक शायद आर्मी की गाड़ी ने मतलब कुछ वो किया था सर, इंसिडेंट हुआ था, कुछ एक्सीडेंट हुआ था, दो कुछ बच्चों के साथ इंसिडेंट हुआ था, तो वो उनको बचाने के बजाय अपना वो उस पर लाठी मार रहे थे सर, वो जो फैमिलीज पे लाठी मार रहे थे। यहाँ के जो आर्मी अगर कंपेयर करें तो फिर कंपेरिजन ही नहीं है सर। वो तो यहाँ के मतलब हर चीज़ में, छोटे छोटे चीज़ में यहाँ पे ख्याल रखते हैं सर यहाँ इंडियन आर्मी, तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता सर। जी जी जी। और इस प्रोग्राम के थ्रू अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें आपके जो बाल्ती जो बाकी कम्युनिटी है, तो क्या देना चाहेंगे आप?
सर मैं यही कहना चाहूँगी कि डरना नहीं है, मतलब अगर हम अपने मतलब हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें लड़ना चाहिए। और वहाँ पे जो आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, दबाया जा रहा है, तो उसको मतलब दबने मत दो अपनी आवाज़ को। और अगर प्रॉब्लम वहाँ पे, अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ पे खुश नहीं हो, तो सामने जाके बोलो, प्रोटेस्ट करो, और हम भी साथ देंगे यहाँ से। ऐसा नहीं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम भी तब तक साथ देंगे जब तक आप हमारे पास ना पहुँचे। तो हम हमेशा आपके साथ हैं, और चाहे कुछ भी हो इन फ्यूचर, अगर आप क्या पता एक दिन ऐसा भी आए कि आप हमारे साथ खा पी रहे हो, हमारे साथ बातचीत कर रहे हो, दुख दर्द शेयर कर रहे हो, तो मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोग वहाँ जल्द से जल्द उस जगह से छूट जाए और खुश रहे बस जहाँ रहे। जी बहुत जल्दी होगा, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। जी सर, थैंक यू सो मच मैडम फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर, अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच।